दोस्तों नमस्कार मैं पंडित ब्रजभूषण शर्मा आप लोग के सामने एक बार फिर दोस्तों बृहस्पति गुरु महाराज का परिवर्तन हो रहा है कुछ लोग 25 तारीख से मान रहे हैं मेरे उसमें पत्र में एक मई से है तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं बृहस्पति के परिवर्तन से गुरु महाराज के परिवर्तन से देश में विकास क्या होगा कैसे होगा उसके बारे में चर्चा करना जा, जा रहा हूँ मैं पंडित ब्रजभूषण शर्मा आप लोग के सहयोग से मेरा पर परिवार निरंतर बढ़ता जा रहा है मैं आप लोग को कोट कोर्ट नमन करता हूँ और आपसे आशा करता हूँ और विश्वास करता हूँ का प्यार इसी तरह मेरे साथ बना रहे तो शायद मैं भी समाज को आप लोगों को ज्ञान रूपी गंगा बहाने का प्रयास करता रहूँगा इसमें आप लोगों की बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों मेरे यहाँ पे कुंडियाँ भी देखी जाती हैं मेरे यहाँ पे मोबाइल नंबर भी ठीक करे जाते हैं मेरे यहाँ पे किसी व्यक्ति का नाम ठीक नहीं है वो ठीक कराया जाता है किसी के अगर प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है उसके बारे में बताया जाता है किसी की लव लाइफ के बारे में है उसके बारे में बताया जाता है प्रेम क्यों नहीं हो पा रहा शादी क्यों नहीं रुक पा रही ये सारी बातें मैं इस वीडियो में आपको बताने का प्रयास करूँगा वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी लेकिन वीडियो पूरी देखना मैं दोस्तों अब इसी के साथ मैं वीडियो को शुरू करता हूं उससे पहले मैं आप लोगों का नमन करता हूं यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे सब्सक्राइब करें इस चैनल को दोस्तों मेष राशि में बृहस्पति वृक्ष राशि में वृषभ राशि में परिवर्तन जिसका जैसा चित्र होता है उसका वैसा ही मित्र होता है ध्यान रखना शुद्धता होती है विचारों में आदमी कब पवित्र होता है फूलों में भी कीड़े पाए जाते हैं और पत्थरों में भी हीरो पाए जाते हैं बुराई छोड़कर अच्छाई देखो तो सही नर में ही नारायण पाए जाते हैं आपका बहुत बहुत स्वागत है मैं इस वीडियो में आप लोग को कोट कोट नमन करता हूँ अब मैं बताना चा, चाहता हूँ कि कैसे 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 सारी बातें बारह साल बाद बृहस्पति देव जी देवताओं के गुरु कहे गए हैं देवताओं के देव बृहस्पति देव राशि परिवर्तन हो रहा है बृहस्पति देव मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में जा रहे हैं और यह 12 साल बाद वृषभ राशि में जा रहे हैं वृषभ राशि जो है वो शुक्र राशि की है और शुक्र जो है वो देवताओं का गुरु है और बृहस्पति देव जो हैं वो वो के, देवताओं के गुरु हैं वो दोनों गुरुओं का होगा आमना सामना एक राशि में जाएंगे तो देखो दोनों और यहाँ पर जब एक राशि में जब गुरु जाएगा तो आपको पता है कि एक राशि में जब गुरु जाएंगे तो आपको पता है कि एक राशि में वो तेरह महीने तक रहते हैं गुरुदेव और यहाँ पर उसी राशि में वो बारह साल बाद जो जा रहे हैं तो पूरा चक्कर लगाकर बारह राशियों की ओर वो आ रहे हैं तो गुरु जो हैं वो ज्ञान के सौभाग्य के बरकत के देवता हैं देवता कहलाए हैं कहलाए गए हैं और मैं क्या बताता हूँ गुरु की जब गो, गोचर होता है तो गुरुदेव जो हैं क्या करते हैं आपके जीवन में धन की वशा करते हैं क्योंकि धन जो है आपके जीवन में भी आता है जब आप जो हैं देवताओं के गुरु की पूजा करते हैं याचना करते हैं उन उनको जो है मानते हैं तो किस प्रकार से धन की के रास्ते खुलेंगे बारह राशि वालों के बारे में मैं आपको बताऊँगा बताता हूँ तो मेष राशि वालों के लिए बहुत बहुत भाग्यशाली समय है गुरु का गोचर होगा और धन से गुरुदेव में बैठेंगे तो उस मेष राशि वाले के बैठेंगे और दस में घर को देखेंगे बैठेंगे तो आपके छठे आठवें और दसवें घर को देखेंगे यहां से आपको जो है रोग ऋण शत्रुओं का नाश करेंगे आपके गुण ज्ञान की तरफ लेके जाएंगे आपके कर्मस्थान को सेंट्रलाइज करेंगे आपके काम काज के रास्ते खोलेंगे चमत्कारी होंगे तो वो करना क्या करना क्या है अपने अपने माथे पर अगर आपको वह है अपने माथे पर चंदन का तिलक चिलक कंठ पे और नाभि पे लगाएं वृषभ राशि वालों को अगर हम बात करें तो वृषभ राशि वालों के लिए बहुत ही बढ़िया समय आने वाला है सौभाग्य में आपके सौ वृद्धि वाली है सौभाग्य आप जो हैं जो बढ़ चढ़कर बोलेंगे और आपके लगन में जो बृहस्पति देव बैठेंगे तो आपके पंचम भाव को आपके पंचम पंचम सप्तम भाव को आपके नवम भाव को जगा देंगे और आपकी किस्मत को बढ़ाएंगे जब किस्मत बढ़ेगी तो हर काम आपका मिनटों में होगा जो काम आप जो काम आपको जो चार दिन का काम जो चौदह दिन में होगा होता था वह काम आपका चार दिन का काम जो है चार घंटे में ही हो जाएगा करके देखिए बृहस्पति देव वृषभ राशि में वालों के लिए शुभ खबरी खुश है आपके बच्चों की से रिलेटेड आपका जो है आपके बच्चों में आपका पूरा कंट्रोल हो जाएगा आपके सप्तम भाव पर दृष्टि डालेंगे तो आप अपने पड़ोस के लिए प्रोसेस हो जाएंगे आप आपकी किस्मत को बृहस्पति देव दिखेंगे तो आपकी किस्मत को चमकाने का कार्य करेंगे बृहस्पति ये तो वृषभ राशि वालों के लिए तो बहुत ही बढ़िया हैं अपने गले में एक सोने की चैन पहने सोने की चैन ना पहन पाए तो आप एक हल्दी की गांठ जो गले में रंग हल्दी की गांठ पीले रंग के धागे में बांध लें लीजिए बहुत ही बढ़िया रखेंगे मिथिन राशि वालों को अगर हम बात करें तो आपको बारहवें भाव से बृहस्पति का गोचर होगा बारहवा भाव हमारा खर्चे का भाव होगा लेकिन बृहस्पति का ये पक्का घर होता है वार में भाव में जो भी बृहस्पति देव जब आएंगे तब आपके चौथे भाव को छठे भाव को और आठवें भाव को देखेंगे चौथा चौथा भाव होता है आपका घर और प्रॉपर्टी लेने का जो आप सोच रहे हैं ये आपकी प्रॉपर्टी आप नहीं ले पा रहे हैं तो वो आपके रास्ते खोलेंगे आप नया घर ले पाएंगे नए घर में रिनोवेशन करवा पाएंगे मिथिन राशि वालों को अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर छठे भाव से जब हम बृहस्पति देव आपके बारे में भाव को छठे भाव को देखेंगे तो आपके रोग ऋण शत्रुओं का नाश करेंगे और जहाँ पर बृहस्पति देव दे देते हैं दे, देखते हैं वहाँ पर तो धन की वर्षा जो है वहाँ करते हैं करते हैं तो धन की वर्षा अब की बार आपकी होने वाली है बहुत ही बढ़िया आपके लिए जो जो हो रहा है यह समय और यहाँ पर अष्टम भाव में देखकर गुणगान गुण आपके जो हैं रहस्य और करंट साइंस की तरफ आपको लेकर जाएगा तो यह मेरा भी है मिथुन लगन तो यहां पर जो लगन से देख रहा है चाहे राशि से देख रहा हो दोनों तरफ आपके इफेक्ट होंगे सेम होंगे तो आप चाहे लगन से देखें चाहे राशि से देखें वैसे तो लगन से जो है मैं आपको बताता हूं कर्क लगन वालों के लिए अगर हम बात करें या कर्क राशि वालों की हम बात करें तो आपके ग्यारहवें भाव से होंगे बृहस्पति का गोचर बृहस्पति देव आपके पराक्रम भाव को देखेंगे आपके सप्तम भाव को देखेंगे आपको जो भी नवम दोषी नवम भाव से देखेंगे सप्तम भाव को देखेंगे पंचम भाव को देखेंगे तो आपके तीन पाँच नौ में जब दृष्टियाँ बनेंगी बृहस्पति देव की तो आपके जीवन में धन की वर्षा होगी करियर की वर्षा होगी आपके हर काम बनेंगे फेस्ट चीज़ें आपको हो जाएंगी ठीक है होना शुरू हो जाएंगी प्यार मोहब्बत में जो सफलता नहीं मिल पा रही थी आपको स्पाउस आपके लिए प्रोसेस हो जाएंगे और आपके प्यार मोहब्बत में सफलता मिलेगी आपके सारे काम बनेंगे तो करना क्या है आपने क्या करना है ये किसी बुजुर्ग ब्राह्मण की सेवा करनी है आपने उन्हें कुछ खाने के लिए सामान देना है किसी ब्राह्मण की सेवा कीजिए या किसी की जो है किसी की जो साधु संत महात्मा को आप जो भी हैं दान कीजिए यह कार्य अपना आपने, आपने करना है बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों की सिंह राशि वाले सिंह लगन वालों की क्या करना चाहिए दशम भाव में बृहस्पति का गोचर होगा प्रैक्टिकल होकर चलना है यहाँ पर आपको जो है धन भाव आपका बढ़ेगा इन्वेस्टमेंट के लिए नए सोर्सेज आपके बढ़ेंगे लेकिन आप थोड़े से काम करने में थोड़ी सी जो है कमी है उसे ठीक कीजिए और आपके जो है नीचे आपकी थोड़ी सी खराब है हो सकती है चीज़ें खराब हो सकती हैं ध्यान रखिए ये प्रैक्टिकल अप्रोच लाइफ में नहीं रखेंगे तो आपके जो है मकान बनाने में चांसेस बनेंगे मकान अगर आप लेने की सोच रहे हैं तो बहुत समय की सोच रहे हैं तो आपको फ़ायदा होगा डील होगी ठीक है अब डील आपकी क्रैक हो जाएगी और साथ ही साथ में आपकी बचत होगी साथ में आपका जो है रोग ऋण शत्रुओं में से आपका जो है पीछा छूटेगा यानी कि कोई ले लोन चल रहा है था वो लोन उतरने के लिए के, करीब आ जाएगा अगर आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था तो आपको ज़िंदगी से गायब होगा तो यहाँ पर आपके जीवन अब जो है उपाय ये है कि अपने आपने चने की दाल आपके श्रद्धा का अनुसार एक कटोरी या एक किलो या जो भी आपके क्षमता हो वो लें और प्रतिदिन आप मंदिर में देखें देते रहें इससे आपको बहुत ही फायदा होगा आप जीवन में बहुत ही ऊंचाइयों पर पहुंच जाएंगे चलिए बात करते हैं कन्या लगन वालों के लिए कन्या राशि वालों के लिए कन्या राशि लगन नवम भाव से होंगे बृहस्पति का गोचर और जब नवम भाव में होगा तो धन की वर्षा के लिए आप लोग भी उपचार हो जाएँ कन्या लगन की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर बृहस्पति देव आपको जो लगन को देने वाले हैं आपके पराक्रम को देखेंगे आपके पंचम भाव को देखेंगे यहाँ पर जब हम देखेंगे तो बृहस्पति का गोचर आपके चमकाने के लिए बृहस्पति देव कहते हैं जहाँ पर बैठते हैं वहाँ पर खराबी करते हैं और जहाँ पर देखते हैं वहाँ का फायदा करते हैं ये बृहस्पति का एक नियम है वहाँ पर धन की वर्षा करते हैं लेकिन भाग्य भाव में बृहस्पति देव अपने घर में होते हैं तो भाग्य की वृद्धि कर देते हैं यहाँ पर अपने अपने घर के सेंटर को कलेक्टर फ्री कर देते हैं आप आपने नाभि पर आपने कैंसर का केसर का तिलक लगाना है आपके लिए बहुत ही बढ़िया जो है वो रहेगा और आपके सारे काम जो हैं वो बनेंगे और रास्ते आपके खुलेंगे यहाँ बृहस्पति देव कहते हैं आपको बहुत ज़बरदस्ती आपकी जल्द यहाँ पर आएंगे आपके सारे काम आपके बनते चले जाएंगे तो बृहस्पति देव आपके लिए बहुत ही अच्छे हैं बारिश करने वाले हैं धन के बरसात करने वाले हैं आपने किसी भी धर्म स्थान पर जाकर आपने जो भी पीले रंग का फूल चढ़ाए हैं पीले रंग के लड्डू चढ़ाए और साथ ही साथ अपने जो किसी बुजुर्ग ब्राह्मण को अपने किसी कुल पुरोहित को अपने जाकर आशीर्वाद लें बुजुर्ग ब्राह्मण का आशीर्वाद लेना है ऐसे बुजुर्ग ब्राह्मण जो कहीं धर्म स्थान पर बैठे हुए हैं आप उसका आशीर्वाद लेते हैं तो आपके जीवन के रास्ते जो हैं वो खुल जाएंगे आपके लाइफ में लाइफ में भी आएगी अपॉर्चुनिटी चलिए अब हम बात करते हैं तुला लगन वालों की लिए तुला लगन वालों के लिए अगर हम बात करते हैं तो यहाँ तुला लगन वालों के लिए अष्टम भाव में होगा बृहस्पति का गोचर है आपके बारहवें भाव में दूसरे भाव को चौथे भाव को देखेगा तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ बृहस्पति देव का उससे काफ़ी फ़ायदा होगा अब मैं वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है मैं अब विराम लगाता हूँ और जो कुछ थोड़ा बहुत बचा हुआ है मैं अगली वीडियो में करूँगा मैं नमस्कार करता हूँ फिर आपसे निवेदन करता हूँ वीडियो को पूरा देखना और किसी को मेरी जरूरत हो तो याद करना नमस्कार